तो यार आज हम स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स की बात करेंगे। तो भाई अगर आप 2021 में लैपटॉप देख रहे हो, अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपने लाइव स्ट्रीम भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, उसके साथ अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से कम है यार, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चाउट कर लेना। अगर आपका बजट 90,000 से लेके 2,00,000 है, आज हम इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 तक हो जाता है इस प्राइस रेंज में, भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो। दो लैपटॉप बताऊँगा, ASUS ROG Strix की और या ASUS ZEBRUSH G14 की। और अगर इन दोनों लैपटॉप की बात करूँ, स्टाइलिश डिज़ाइन दोनों का मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों बहुत अपर है। लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, हाई ग्राफिक पे गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, उसके साथ साथ भी अगर आप एज अ स्टूडेंट यूज़ करना चाहते हो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जहाँ कुछ भी आप करना चाहते हो, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, आर्किटेक्चर हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, उसके बाद हम बात करें भाई और भी मतलब इंजीनियरिंग करते हो, कुछ भी आप करते हो ना, पढ़ते हो पढ़ाते हो, आपके लिए ये दोनों लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकते हैं। आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी दोनों में तगड़ी मिल जाती है। मैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, आपको डीपली पता चल जाएगा। यार ASUS ROG Strix की बात करूँ, पहले डिस्प्ले की बात करूँ, 50.6 इंच फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 या i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB या 16GB देखने को मिल जाएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आपको 90,000 लेके आपको 1,10,000 के बजट में मिलेगा, उसमें आपको 16GB रैम मिल जाएगी, i7 देखने को मिलेगा आपको 1650 Ti 4GB के साथ मिलेगा, 7 to 8 hours का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, वो आपको 90,000 के बजट में ये स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ASUS ROG Strix G15 देखने को मिल जाएगा। प्लस मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चाउल करना है आप चाउल कर सकते हो, अगर आपने बाय करना है आप बाय भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं ASUS ROG ZEBRUSH G14 की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA G4 RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा, 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, 6GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 90,000 के बजट में ASUS ROG ZEBRUSH G14 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS ROG ZEBRUSH G14 के भी, यार ये स्टाइलिश डिज़ाइन में देखने को मिलता है, इसका डिज़ाइन कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं। प्लस आपको बैक साइड में LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप भाई कस्टमाइज कर सकते हो। आपको डुअल फैन मिल जाते हैं, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, इसके और भी बहुत स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ भी कि आप इसको एक बार चेकआउट करो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 तक हो जाता है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने फिर से रखे हैं दो लैपटॉप, एक आता है एसर की ओर से, दूसरा आता है ASUS की ओर से। बात करूँ एसर प्रेडेटर की, एंड में बात कर रहा हूँ ASUS TUF Gaming A15 की। ये दोनों लैपटॉप भी आपको पूरे पसंद आने वाले हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट काम करना चाहते हो, अपने गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कोई भी आज तक का हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकते हैं। प्लस भाई अगर आपने म्यूज़िक के रिलेटेड कोई काम करते हो, पढ़ते हो पढ़ाते हो, आपके लिए भी बेस्ट डील। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K में ट्राई करना चाहते हो, तब भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं। गेमिंग के लिए तो परफेक्ट डील है ये, प्लस आपको लाइव स्ट्रीम के लिए भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं। आपको 16GB रैम मिल जाएगी, RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, भाई और क्या चाहिए, यही चीज़ तो चाहिए होती है। अगर आपको कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, यही चीज़ तो आपको स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलनी चाहिए, जो कि आपको इस लैपटॉप में, दोनों लैपटॉप में देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों का बहुत तगड़ा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो पहले Acer Predator की बात करते हैं, पहले डिस्प्ले की बातों को 50.6 इंच फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो यार 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ।
स्टोरेज की बात हो, आपको 16 GB रैम मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मिलती है, प्लस 256 GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात हो, NVIDIA GeForce RTX 2060 GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, 45 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस पहले देखने को मिलता था 1 लाख, अभी इसका प्राइस देखने को मिलेगा 1,30,000। ठीक है, दिवाली फेस्टिवल में इसका प्राइस कम हुआ था, वो आपने मिस कर दिया, लेकिन अभी इसका प्राइस मिलेगा 1,30,000 के बजट में आपको RTX 2060 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 16 GB रैम मिल जाती है। अभी आगे बात करते हैं सुस्त ऑफ गेमिंग A15 की। तो यार डिस्प्ले की बात उनको 15.6 इंच फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि IPS लेवल पैनल डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको राजन का प्रोसेसर मिलता है, AMD राजन 7। स्टोरेज की बात उनको 16 GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मिलती है, प्लस 256 GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, NVIDIA GeForce RTX 2060 GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, 48 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, दिवाली फेस्टिवल में इसका प्राइस बहुत कम हुआ था, आपको 90,000 के बजट में देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 1,15,000 या 20,000 के बजट में आपको सूस ऑफ गेमिंग A15 देखने को मिल जाएगा। तो यार दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन मैंने अभी आपको बता दिया, जो भी आपके प्राइस में सेट बैठता है या जो भी आपको सही लगता है आप उसके और चल जाना। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो इस प्राइस रेंज में यार मैंने लिखा है डेल एलियन वेयर, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद आने वाला, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन, इसका डिज़ाइन, इसके डिस्प्ले, इसके कलर, प्लस इसकी बैटरी लाइफ के साथ साथ अभी इसके कीबोर्ड का टच वगैरह हो गया, अगर आपने गेमिंग करनी है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। मैं ज्यादा डीपली बता सकता हूं, मैं नहीं बता रहा यार, मेरी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है, ज्यादा बंदे वीडियोस नहीं देखते। फिर अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेज डिस्प्ले है, जो कि IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 300 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार डिस्प्ले क्वालिटी बहुत जन्नत होने वाली है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i7 10th generation के साथ मिलता है, 16 GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो, 1 TB SSD मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, NVIDIA GeForce RTX 2060 GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस में मिल जाएगा 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ, आपको 12 आवर्स का बैटरी लाभ मिल जाता है। प्राइस की बात को 2 लाख के बजट में डेल एलियन वेयर देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया डेल एलियन वेयर के भी। अभी यार मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, जो भी आप लैपटॉप लेना चाहते हो यार आप ले सकते हो। एंड मैं सॉरी कहना चाहता हूँ अगर मेरे से कोई भी वीडियो में गलती होगी, जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। तो यार अभी मैं आपको ये चीज़ भी कह देना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उसके बाद आर्किटेक्चर हो, उसके बाद भी अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आज तक का कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इन लैपटॉप में आप कर सकते हो, इजीली नॉर्मली कर सकते हो, बिकॉज स्पेसिफिकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा जन्नत देखने को मिल जाते हैं। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसके चालू करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ।